नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। चलिए शुरू करते हैं चुनाव फटाफट खबरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टी का उन्नति विधान जन घोषणा पत्र 2022 के नाम से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने 1,00,000 लोगों से बातचीत के बाद घोषणा पत्र तैयार किया है। इसमें आम लोग, मजदूर, किसान, विशेषज्ञ समेत हर वर्ग के लोग शामिल हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार शपथ लेने के बाद वहां 3 घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया था। इसके अलावा धान और गेहूं 2500 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ना 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बिजली का बिल आधा करने और कोरोना काल का बकाया माफ करने की बात कही गई है। इसके अलावा कोरोना से आर्थिक रूप से प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपये की आर्थिक मदद करने का भी वायदा किया गया है ताकि वे दोबारा अपने पैर पर खड़ा हो सके। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। ट्वीट कर कहा, भाजपा को अपने घोषणा पत्र का नाम धोखा पत्र रखना चाहिए। 70 सालों की रट लगाने वाली भाजपा 5 सालों में अपने घोषणा पत्र के 1/4 वादे भी पूरे करने में नाकाम रही। और न ही 5 सालों के काम का हिसाब, न ही भविष्य निर्माण का कोई विजन, इसलिए कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं को कॉपी कर पेस्ट करके अपना काम चला रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। राजभर ने कहा, जब 70 सीटर ट्रेन में 300 लोग यात्रा कर सकते हैं और उनका चालान नहीं होता तो एक बाइक पर 3 लोगों की यात्रा करने पर चालान क्यों। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम एक बाइक पर 3 लोगों को यात्रा करने की मंजूरी देंगे, नहीं तो जीप और ट्रेन पर भी चालान लेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सपा गठबंधन उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए खतरनाक, सावधान रहने की बात कहते हुए उन्होंने बताया कि आगे भविष्य और वर्तमान आप भाजपा के साथ है। उत्तर प्रदेश में कल पहले फेज में वोट पड़ेंगे। 11 जिलों के 58 सीटों पर चुनाव हैं। इनको लेकर चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में हैं। वो सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर अपनी आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। चंद्रशेखर ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा भाजपा पर कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे अपनाने का आरोप लगाने पर भाजपा के यूपी प्रभारी व कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के वादे सिर्फ कागजों में रहते हैं। महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए सबसे अच्छा काम योगी सरकार ने किया है और अब प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आप देख रहे थे सबसे तेज न्यूज़ की ये फटाफट चुनावी खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, नहीं तो हमारे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।